अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्ट फाइव, और पार्ट फाइव में हम लोग देखेंगे कि एक जब यूजर स्टार्ट चैट पर क्लिक करेगा इस बटन पे, तो एक चैट बॉक्स अपीयर हो जाना चाहिए। मींस डायनेमिक चैट बॉक्स पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोडिंग की तरफ जाते हैं जी। कोडिंग में चैट इंडेक्स के पेज पे हम लोगों को पहला काम क्या करना है, हम लोगों को लाइब्रेरीज इंप्लीमेंट करनी है। और जो चैट बॉक्स के लिए लाइब्रेरी है वो ये वाली हमारी लाइब्रेरी है। मैं ऑलरेडी पार्ट थ्री में ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोगों को लाइब्रेरीज ये तमाम इम्प्लीमेंट करनी है। तो हम लोगों ने जो इस वीडियो में लाइब्रेरी हमारी जो यूज होनी है वो ये वाली लाइब्रेरी है। सो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लें। लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोगों ने एक डिव बनाना है जी। डिव क्रिएट करने के बाद हम लोगों को डिव में आईडी साइन करनी है, और आईडी का नेम क्या होना चाहिए जी, यूजर मॉडल डिटेल्स। नेम सेम होना चाहिए क्योंकि इश्यू ना क्रिएट हो। ओके, डिव क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने स्टार्ट चैट के बटन की कोडिंग देखनी है कि स्टार्ट चैट के बटन पर क्या कोडिंग है। स्टार्ट चैट का बटन हमारे पास कहाँ इंप्लीमेंट है, फेच यूजर के पेज पे, फेच यूजर डॉट पीएचपी के पेज। स्टार्ट चैट की जो बटन की जो हमारे पास कोडिंग है वो क्या है, हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ बटन है जी। हमारे पास क्लास क्या है, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, इससे कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ हम लोग डेंजर भी लिख सकते हैं और ये रेड कलर शो करेगा स्टार्ट चैट। अब ये नए क्लास का नेम हम डिफरेंट जो है वो कोडिंग में यूज करेंगे, और आप लोगों ने एज इट इज लिखना है। डेटा टू यूजर आईडी, टू यूजर आईडी को भी हम लोग यूज करेंगे। जो टू यूजर आईडी में, अब हम लोग ने टू यूजर आईडी हम जब यूज करेंगे तो उसमें कुछ सेव होगा। अब इसमें क्या सेव है, हमारे इसमें यूजर की आईडी सेव है। ओके, यूजर की आईडी सेव है, और ये रो का जो है वेरिएबल कहाँ पे यूज हो रहा है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये रो वाला वेरिएबल हम लोगों ने फॉरईच के लूप में से यूज किया है जी, और ये आप देख सकते हैं ये रिजल्ट का वेरिएबल था, और ये हमारा सारा कोड था। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास टू यूजर आईडी में आईडी सेव होगी जी। डेटा टू यूजर नेम है, हमारे पास उस स्पेसिफिक यूजर का नेम सेव हो चुका है, और हमारे पास अब स्टार्ट चैट का बटन है। एक दफा आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो है वो क्या कोडिंग है स्टार्ट चैट की। ओके, आप स्टार्ट चैट बटन की कोडिंग हम लोगों ने देख ली है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ओके, स्क्रिप्ट टैग में हम लोग जी आ चुके हैं। हम लोग यहाँ तक कर चुके थे फेच यूजर के फंक्शन तक। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है जी, हम लोगों को मेक चैट डायलॉग बॉक्स। ओके, हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है जी। फंक्शन का नेम क्या होगा, मेक चैट डायलॉग बॉक्स। ओके, इसमें हम लोगों ने दो जो है वेरिएबल पास कर देने हैं, टू यूजर आईडी और टू यूजर नेम। हम लोगों ने जो फेच में ये यूज किया था ना, टू यूजर आईडी, ये हम लोग अभी पास करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लेना है वर का मॉडल कंटेंट। इसमें हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने डिव का यूज किया है। स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोगों ने ब्लैक लिया है, सॉलिड। ठीक है, मॉडल का कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक सॉलिड आईडी। अब देखिए, डेफिनेटली अगर मैं अब्दुलरहमान के चैट यहाँ पे क्लिक करूंगी स्टार्ट चैट पर, तो उसका डायलॉग बॉक्स यूनिक होना चाहिए, इकरा का यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चाहिए, यूजर आईडी। हम लोगों ने यूजर डायलॉग दी है और यहाँ पे टू यूजर आईडी को पास किया है। अब टू यूजर आईडी कौन सी है, ये वाली टू यूजर आईडी। ठीक है, अब टू यूजर आईडी है, अब हमारे पास ये क्या है, क्लास यूजर डायलॉग और टाइटल यू हैव चैट विद टू यूजर नेम। ओके, यहाँ पे हमारे पास टू यूजर नेम है। अब हम लोग देखेंगे ये टू यूजर आईडी और टू यूजर नेम ये वाले नहीं है, ये वाले, क्योंकि ये स्पेलिंग तो चेंज है। अभी हम लोग इनमें जो है देखते हैं ये कैसे स्पेलिंग चेंज है। फिर हम लोगों ने मॉडल कंटेंट का दोबारा वेरिएबल लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, हाइट यूज की है, बॉर्डर हम लोगों ने हाइट 300 पिक्सल, बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड, ये हम लोगों ने कलर यूज किया है। ओवर फ्लो वाई एक्सिस पर स्क्रॉल बार आनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस ज्यादा हैं तो मार्जिन बॉटम ये होनी चाहिए, पैडिंग ये होनी चाहिए। हमारे पास क्लास के चैट हिस्ट्री, क्योंकि हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैसेजेस 4 मैसेजेस भेजे हैं, तो मैंने बाद में चैट हिस्ट्री भी तो मेरे पास होनी चाहिए ना।
डेटा जी टू यूजर आईडी, मेरे पास टू यूजर आईडी आ जाएगी, आईडी चैट हिस्ट्री है, टू यूजर आईडी आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने एज इट इज लिखना है। मॉडल कंटेंट हमारे पास यहाँ डिप क्लोज है जी, मॉडल कंटेंट में हमारे पास फॉर्म ग्रुप है, मींस एज अ फॉर्म ओपन होना चाहिए। टेक्स एरिया, अब हम लोगों ने टेक्स एरिया मींस के एक मैसेज का एरिया मेरे पास शो हो जाना चाहिए। टेक्स एरिया प्लेस होल्डर मेरे पास क्या है, मैसेज स्टाइल क्या है मेरे पास, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड कलर ये होना चाहिए, बॉर्डर का नेम क्या है जी, चैट मैसेज, और चैट मैसेज टू यूजर आईडी जिसको मैं भेज रही हूँ, ओके। आईडी चैट मैसेज, और चैट मैसेज यूनिक होना चाहिए, मींस के उस स्पेसिफिक यूजर का होना चाहिए। क्लास हमारे पास क्या जी, फॉर्म कंट्रोल चैट मैसेज, ओके। इसकी क्लास क्या हमारे पास, चैट मैसेज। क्लासेस के नेम आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि हम लोगों ने यूज करने हैं। फिर हम लोगों ने मॉडल कंटेंट का वेरिएबल यूज किया है जी, हम लोगों ने डिप क्लोज कर दिया है, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला डिप क्लोज है जी हमारे पास, और ये वाला जो डिप था ना, ये वाला डिप क्लोज था, ठीक है, ओके। डिप क्लोज होने के बाद हम लोगों ने दोबारा डिप लिया है जी, इसमें फॉर्म ग्रुप अलाइन राइट किया है, फिर हम लोगों ने मॉडल कॉन्टेंट किया है जी, ये हमारे पास कॉनकेटिनेट यूज हो रही है, ठीक है। बटन हमारे पास होगा क्योंकि हम लोगों ने मैसेज सेंड भी करना है। वन टाइप बटन है जी, स्टाइल मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, कलर हम लोगों ने बटन का ये लिया है, बैकग्राउंड कलर हमारे पास बटन का ये है, पैडिंग की है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बॉर्डर रेडियस, ये तमाम सीएसएस अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। अपर केस है जी, ये हमारे पास आप देख सकते हैं। नेम क्या है, अब हमारे काम की चीज क्या है जी, नेम सेंड चैट, ठीक है, सेंड चैट हमारे पास बटन का नेम है, अब हम लोगों ने ये भी नेम यूज करना है। आईडी इसमें क्या जाएगी, जिसको मैं भेज रही हूँ, टू यूजर आईडी। क्लास क्या है जी इस बटन की, बीटीएन, बीटीएन इनफॉर्म सेंड चैट, ये हमारी क्लास हम लोग यूज करेंगे, ओके। और बटन का नेम क्या होगा, सेंड, ठीक है, सेंड होगा जी। बटन क्लोज है, डिप क्लोज है जी, ये वाला डिप आप देख सकते हैं, ये वाला डिप क्लोज है, और ये वाला डिप क्लोज है, ये वाला, ओके, ये वाला डिप क्लोज है। अब हम लोगों ने क्या किया जी, टू यूजर मॉडल डिटेल्स डॉट एचटीएमएल में मॉडल कंटेंट पास कर दिया। अब ये यूजर मॉडल डिटेल्स को क्या है हमारे पास, ये वाला नेम है, ये वाला यूजर मॉडल डिटेल्स, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास, हम लोगों ने एक फंक्शन लिख लिया जी, हमारे पास फंक्शन ये है। अब हम लोगों ने डेफिनेटली जो है हमारा डायलॉग बॉक्स ऐसे तो अपियर नहीं होगा, मैं जब तक चैट, जो स्टार चैट के बटन पे क्लिक नहीं करूंगी तो मेरा कैसे ये यूज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो मैंने एक फंक्शन और यूज किया है जी, जावास्क्रिप्ट का मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स भी हम लोग जो चैट का अपीयर कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। क्लिक, जब मैंने क्लिक किया किस पर, चैट, स्टार चैट, क्लास के स्टार चैट। अब ये स्टार चैट क्या है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास, ओके। क्लास क्या थी, स्टार चैट की, स्टार चैट, और ये स्टार चैट क्लास का नेम था, डॉट स्टार चैट पर जब मैंने क्लिक किया तो फंक्शन पास हो गया क्या, टू यूजर आईडी टू यूजर नेम। ये टू यूजर आईडी कौन सी हमारे पास, ये वाली टू यूजर आईडी, टू यूजर नेम हमारे पास ये है, ठीक है। मींस कि टू यूजर आईडी और टू यूजर नेम दो वेरिएबल्स थी, इसमें क्या पास कर दिया, टू यूजर आईडी टू यूजर नेम, जिसको मैं मैसेज भेज रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ हर जगह जो है वो ये वाला वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं टू यूजर आईडी हम लोगों ने, अब इन तमाम वेरिएबल्स में टू यूजर आईडी में ये वाली टू यूजर आईडी पास हो जाएगी जिसको मैं भेज रही हूँ, ओके। और इस टू यूजर नेम में ये टू यूजर नेम आ जाएगा, ओके। मेक चैट डायलॉग बॉक्स में जो है ये टू यूजर आईडी टू यूजर नेम पास होंगे, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग, इस फंक्शन में हम लोगों ने दो वेरिएबल पास किए थे, अब ये टू यूजर आईडी टू यूजर नेम में दो वेरिएबल सेव हो गए हैं, टू यूजर आईडी और टू यूजर नेम की वैल्यूज, ओके। अब हम लोगों ने ये मेक चैट डायलॉग बॉक्स के फंक्शन में दो ये वेरिएबल दोबारा पास करनी, और ये स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए, ओके। अब हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने किया है कि यूजर डायलॉग जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। अब ये यूजर डायलॉग क्या है जी, ये क्लास का नेम है, सॉरी आईडी का नेम है, और आप लोग देख सकते हैं ये वाला है, ये हम लोगों ने वर्ड मॉडल मींस कि इस बॉक्स को हम लोगों ने एक आईडी असाइन की थी, यूजर डैश डायलॉग्स डैश, ठीक है। ये आईडी थी और हम लोगों ने यहाँ पे आईडी का यूज किया है, टू यूजर आईडी मींस डायलॉग उसके अपियर हो जाना चाहिए और ऑटो ओपन हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए जब तक मैं क्लिक ना करूं, और विड्थ हमारे पास उस बॉक्स की इतनी होनी चाहिए, ओके। फिर हम लोगों ने जी यहाँ पे हमारी ब्रैकेट क्लोज है, ये वाली कोडिंग एंड है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या किया है जी, हमारा यूजर डायलॉग जो ये वाला है, पहले तो हम लोगों ने कहा ऑटो ओपन मत हो, ठीक है, मींस के ओपन हो जब वो क्लिक करे, टू यूजर आईडी डायलॉग ओपन, जब क्लिक करे तो ओपन हो, ओके, मींस के खुद ब खुद ओपन मत हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब मैं ये कोड नहीं लिखूंगी तो ये डायलॉग बॉक्स से
ओपन हो जाएगा विदाउट क्लिकिंग, मुझे इसकी कोडिंग नजर आएगी। बट जब मैंने ये कोड लिखा है तो मुझे जो है वो डायलॉग बॉक्स शो नहीं होगा जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगी, ठीक है। अब हम रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखें, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक बॉक्स अपीयर हो गया, ये देखिए चैट बॉक्स। ओके, चैट बॉक्स पर आप देख सकते हैं यू हैव चैट विद रहमान। अब रहमान आप देख सकते हैं जब हम लोग ने ये क्रिएट किया था, यू हैव चैट विद टू यूजर नेम। अब टू यूजर नेम में क्या था, टू यूजर नेम में हमारे पास ये टू यूजर नेम था। टू यूजर नेम क्या है हमारे पास, ये देखिए टू टू यूजर नेम, टू यूजर नेम में रो में डेटा बेस हम लोग नेम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये नेम था, ठीक है। अब देख सकते हैं ये रहमान है, रहमान के पर्टिकुलर जब मैं ये ओपन करती हूँ उसके उसका डायलॉग बॉक्स, तो यू आर चैट विद। अब ये देखिए ये जो है हमारे पास, ये क्या मॉडल कंटेंट का वेरिएबल, हम लोगों ने ये देखो मॉडल कंटेंट का वेरिएबल लिया था। अब ये जो है ये हेडर शो कर रहा है। अब हेडर के बाद ये जो है ये वाला हमारे पास, आप देख सकते हैं इसकी स्टाइलिंग हाइट 300 पिक्सल थी। बॉर्डर हमारे पास क्या था, ओवरफ्लो हमारे पास वाई एक्सिस था। ये देखिए हमारे पास स्क्रोल बार भी आ रही है वाई एक्सिस में, ठीक है। और ये हमारे पास था, ठीक है। फिर ये हमारे पास डिप क्लोज हुआ था। फिर हमारे पास ये देखिए मैसेज का आया है हमारे पास, चैट मैसेज का, ठीक है। और चैट मैसेज प्लेस होल्डर क्या है हमारे पास, मैसेज। आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर हमारे पास मैसेज है, और ये भी हमारे पास एक बॉक्स है, उसकी सीएसएस अप्लाई है। फिर हमारे पास जी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बटन था सेंड के नाम से। आप देख सकते हैं सेंड के नेम से हमारे पास एक बटन है, और बटन की कोडिंग भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर हमारे पास ये शो हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, कहा इस कोडिंग में यही है कि जब तक हम क्लिक ना करें तो ये बॉक्स अपीयर नहीं होना चाहिए। ओके ओके जी, हम लोगों ने कोडिंग देख ली है कि हम लोग जब स्टार चैट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा चैट बॉक्स किस तरह अपीयर होता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मैसेज इंटर करूँ तो क्या रहमान को मैसेज जाएगा, वो डेटाबेस में सेव होगा। तो ये सारी जो कोडिंग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।